और संभल में 24 नवंबर में हुए हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना की 3 सदस्यीय टीम न्यायिक जांच की घोषणा की है, जिसमें हाई कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा, पूर्व डीजीपी रविंदर जैन, पूर्व प्रमुख सचिव अमित मोहन ने सबसे पहले इस घटना की विस्तृत जानकारी जिले के आला अधिकारियों से ली। उसके बाद उन्होंने घटनास्थल और जामा मस्जिद का निरीक्षण कर जानकारी ली, साथ ही जामा मस्जिद के अंदर भी टीम दाखिल हुई। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मस्जिद के ठीक सामने खड़ा हूँ और मस्जिद